वंदे मातरम। तो अभी मैं कर रही हूँ अपनी पहली विदेश यात्रा और जो है दुबई के लिए। आज से पहले मैं कभी भी अपने इंडिया से बाहर नहीं गई हूँ, पहली बार जा रही हूँ, तो थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ, खुश भी हूँ। और मेरा वीज़ा भी बन गया है, मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस भी हो गया है, मेरे टिकट भी आ गए हैं, बुक हो गया है, और मेरे होटल की भी बुकिंग हो गई है। और अभी हम जाएंगे दुबई और करेंगे दुबई को एक्सप्लोर। तो चलिए मेरे साथ और चलते हैं और दुबई को एक्सप्लोर करते हैं। और मेरे पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो उसको पसंद भी कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं। ये पहुंच गए हैं हम एयरपोर्ट पे और अभी अंदर चलेंगे। और अभी चेक इन वगैरह करें। और हमारी फ्लाइट है 10 बजे की, तो हम लोग 3 घंटे पहले आना होता है, तो आ चुके हैं यहाँ पे। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे काउंटर अभी तक खुले भी नहीं है, तो अभी काउंटर खुलेंगे तो हमारा सारा चेक इन होगा और फिर हम चलेंगे। तो चलिए चलते हैं दुबई में और मिलते हैं और इंजॉय करते हैं, घूमेंगे और वीडियो बनाएंगे और आपको भी दिखाऊंगे। सिक्योरिटी चेक इन करवा रहे हैं अभी हम, और यहाँ पर होगा इमिग्रेशन का प्रोसेस और वो करवाने के बाद हम अंदर जाएंगे। इमिग्रेशन में जाके उसमें स्टैंप लगा के अभी आ गए हैं हम अंदर। और ये है अंदर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। है नाश्ते का टाइम और आए हैं बर्गर किंग में, यहाँ से लेते हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि फ़्लाइट में अभी बहुत टाइम है, 10 बजे की फ़्लाइट है और हम आ गए यहाँ पे 7 बजे। तो आराम से नाश्ता करते हैं, कुछ चले। आ गया हमारा नाश्ता और ये है फ्रेंच फ्राइज, ये हैं हमारे पनीर रोल और ये है हमारी कॉफ़ी। ये हम जा रहे हैं अपने गेट नंबर 78 पे और ये सब है यहाँ से बाहर का व्यू। अभी टाइम है फ्लाइट बोर्ड करने का, तो चलिए अभी जाते हैं फ्लाइट के अंदर और फ्लाइट बोर्ड करते हैं। मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट में पहली बार बैठ रही हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ नया है। अभी ये देखिए बिजनेस क्लास की सीट्स हैं और ये सारी सीट्स जो हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, काफ़ी अच्छे से लेग स्पेस दिया हुआ है। और आई थिंक ये महंगी होती है सीट, हमारी तो है इकोनॉमी क्लास की, तो हम अपनी सीट की तरफ जा रहे हैं और ये है इकोनॉमी क्लास की सीट्स। और मैंने जहाँ तक जिस भी फ़्लाइट में बैठी है उसमें सिर्फ 6 ही सीट्स होती थी एक रो में, 3 एक साइड में 3 दूसरी साइड में, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी सीट्स हैं, साइड में भी और बीच में भी सीट्स हैं। तो चलिए बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट को पहली बार। और हर सीट के पीछे टीवी भी लगा हुआ है और मैं अपनी सीट पे बैठ गई हूँ और मेरी सीट के सामने भी टीवी है, मैं देख रही हूँ कि उसमें क्या क्या है और कैसे कैसे उसको ऑपरेट करना है। ये मिला है हमें एक पिल्लो और एक है ये हेडफोन, ये हेडफोन है और एक है ये ब्लैंकेट जो हम फ्लाइट के दौरान यूज़ कर सकते हैं। और ये सामने लगा हुआ है टीवी और उसका है ये रिमोट जो आप चला सकते हैं। ये है फ्लाइट में मिलने वाला खाना जिसमें है राइस है और एक सब्जी है, एक स्वीट डिश है, एक छोटा सा बन है और जूस ले सकते हैं आप, कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं या फिर हार्ड ड्रिंक भी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अभी हमारी फ़्लाइट हो रही है लैंड, अभी हम दुबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और अभी हमें अपना बैगेज लेने जाना है, तो उसके लिए हम जाएंगे। तो ये देखिए है एयरपोर्ट और सबसे पहले हम करेंगे अपना सारा इमिग्रेशन का प्रोसेस कम्प्लीट, अपने पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करवाएंगे। और ये इमिग्रेशन का पूरा चेकिंग करवाने के बाद अब हम आ गए हैं उस प्लेस पे जहाँ से हम आगे जाएंगे और अपना बैगेज कलेक्ट करेंगे। और ये सारा है एयरपोर्ट का अंदर का व्यू, मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। अब हमने ले ली है टैक्सी
और टैक्सी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है राइट लेफ्ट हैंड ड्राइविंग, जैसे इंडिया में राइट हैंड ड्राइविंग है, यहाँ पे है लेफ्ट हैंड ड्राइविंग, तो ये भी थोड़ा सा अलग है। और ये सारा जो है वो टैक्सी में जाते हुए बाहर का व्यू है जो काफ़ी अच्छा है, जो यहाँ की मार्केट है, और ये है यहाँ का क्लॉक टावर, और इसके पास में ही है हमारा आगे अपना होटल, और जिसका नाम है आरवी होटल। चलते हैं इसके अंदर अभी। ये है होटल के अंदर की रिसेप्शन की लॉबी, और यहाँ पे हस्बैंड कर रहे हैं टिक इसका रूम का पता कि कौन सा रूम है हमारे लिए। और तब तक मैं आपको पूरी ये लॉबी दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये साइड में एक रेस्टोरेंट भी है और काफ़ी अच्छी लॉबी बनाई हुई है इन्होंने। तो अभी सब सामान ले लिया है, ये अब चलते हैं लिफ्ट में अपने रूम। ये है लिफ्ट के अंदर से होटल का व्यू। ये है रूम्स के सामने की लॉबी, जिसमें भी काफ़ी अच्छे से सोफ़ा वगैरह लगाए गए हैं, जहाँ पे भी बैठ के आप रिलैक्स कर सकते हैं। और अब चलेंगे हम अपने रूम में, और ये है लॉबी जहाँ से रूम को लेके जाती है, और ये है अपना रूम। ये है रूम के अंदर का व्यू, और ये देखिए सारी जो एक होटल के अंदर मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब इसमें प्रोवाइड करवाई गई हैं। तो आज तो हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं साइट सीइंग के लिए, क्योंकि थक चुके हैं, तो आज करेंगे रेस्ट, और कल सुबह से करेंगे हम दुबई में साइट सीइंग। तो मैं आपके लिए वीडियो डालती रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और अच्छे लगें तो पसंद भी कीजिए। कल मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।